नाबाम से BS4 समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का 89वीं जयंती धूमधाम के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आजमगढ़ जनपद के नेहरू हॉल में 15 मार्च को मनाते नजर आए। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी वक्ताओं ने मान्यवर कांशीराम के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय प्रताप MLC पूर्व अध्यक्षता डॉक्टर बलराम पूर्व सांसद शाह आलम उर्फ गुड्डू चमाली हरीश चंद्र शास्त्री राधेश्याम भारती विनोद चौहान विजय कुमार ओंकार शास्त्री चितई सुशील कुमार सिंह जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम विधानसभा अध्यक्ष CP विमल राम वृक्ष गौतम राम विलास भास्कर अश्वनी कुमार मौजूद रहे। अपनी बात आप देखिए आज माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का संघर्ष छेड़ा, आज हम लोग ये संकल्प लेने आए हैं ऊपर देख लीजिए कि मान्यवर कांशीराम साहब का ये जो मिशन है जो मूवमेंट है जो उनका ये कारवा है उसको हम 7 दिन मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। यही हम लोगों का उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लेने का ये हम लोगों ने निर्णय किया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके कांशीराम जी के विचारों को लेकर पार्टी चल रही है और कहाँ चूक हुई कि उनकी विचारधाराओं से क्या पार्टी हट गई कि जो आज एकदम फांसी पे आ गई है पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये आप गलत कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आज फांसी पर नहीं है। अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है उस 2022 के चुनाव में अब अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 50,000 से लेकर 7,000-57,000 तक वोट ना मिला। तो किसी भी पार्टी के पास इतना ज़्यादा वोट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा इस देश में प्रदेश में अगर वोट किसी के पास है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहन कुमारी मायावती जी के पास है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी न गिरी है न वो कमजोर हुई है, बल्कि आप लोगों ने देखा उसके कुछ ही दिन लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में हम लोग 30% वोट हासिल किए। इसलिए हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि निरंतर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारे कार्यकर्ता रात दिन गाँव में जाकर के ये मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं से बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है।